नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कृष्ण चालीसा के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कलयुग में कृष्ण चालीसा के द्वारा हम अपनी मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं, हम अपनी अतृप्त इच्छाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की बात करें तो ये आकर्षण के स्वामी माने जाते हैं, ये अट्रैक्शन के स्वामी माने जाते हैं। इनकी उपासना से, इनके अभ्यास से, इनके मंत्रों के अभ्यास से शरीर में आकर्षण शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। इसके अलावा व्यक्ति व्यक्ति में बातचीत करने की विशेष क्षमता आती है। आज के जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आपका सफल होने का जो माध्यम है वह आपकी आवाज है, आपकी वाणी है। अगर आपकी वाणी में दम नहीं है, अगर आपकी वाणी में कोई आकर्षण नहीं है तो आप अपने क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। और भगवान कृष्ण इन्हीं के स्वामी माने जाते हैं। जितने भी प्रकार के आकर्षण होते हैं, चाहे वो धन का आकर्षण हो, चाहे मनुष्य का आकर्षण हो, किसी वस्तु का आकर्षण हो, दुनिया में किसी भी प्रकार की, कैसी भी प्रकार की कोई भी भौतिक वस्तु का अगर आकर्षण हो या आकर्षण करना हो तो भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इसीलिए आज हम भगवान कृष्ण की, कृष्ण चालीसा की चर्चा करने जा रहे हैं। कृष्ण चालीसा का पाठ करने से, नियमित पाठ करने से हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जबरदस्त अट्रैक्शन क्षमता बढ़ती है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, आकर्षण शक्ति के बिना आप शव हैं, डेड हैं। ये शक्ति मिलती है तभी आपके अंदर जीवंत प्राण होते हैं, आपका प्रभाव मंडल तेजी से बढ़ता है और आपका प्रभाव औरों पर होता है। इस कलयुग में सफलता प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए कृष्ण मंत्र, भगवान कृष्ण जो आकर्षण के स्वामी माने जाते हैं, इनकी उपासना बहुत जरूरी है। कृष्ण चालीसा आपकी इन्हीं इसी प्रकार की अभिलाषाओं को, इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो इस मंत्र का, इस कृष्ण चालीसा का अभ्यास करने के लिए, इसको एक विशेष तरीके से इसका अभ्यास किया जाता है। आपने अपने जीवन में किया होगा, लाभ भी मिला होगा, लेकिन जिनको लाभ नहीं मिला उनके लिए मैं कह सकता हूं कि उनको कुछ विशेष विधि का उपयोग करना चाहिए। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर या सोफे पर बैठ जाएं। आप अपने सामने एक लाल कपड़े में 1 रुपये का सिक्का, 1 तुलसी का पत्ता, यानी 1 रुपये का सिक्का, 1 तुलसी का पत्ता और 1 हल्दी, इन तीनों को इस कपड़े में, एक लाल कपड़े में बांध लें, एक पोटली बनाकर बांध लें, अपने सामने रखें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 तुलसी का पत्ता, 1 तुलसी का पत्ता, 1 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का और 1 हल्दी का टुकड़ा, ये एक लाल कपड़े में रखें और उसे गांठ मारकर अपने सामने रख लें। अब इसके बाद 11 पाठ कृष्ण चालीसा का करें। जिनको याद है आंख बंद करके आगे चक्र पर ध्यान कर मंत्र जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। जिनको याद नहीं है तो वो पढ़कर पाठ कर सकते हैं। 11 पाठ आपको करना है। 11 पाठ करने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा का उपयोग करें। यह मुद्रा आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है और साधना में सफलता दिलाने में मदद करता है। यह मुद्रा क्या है इन्हें जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 11 पाठ करने के बाद आपका अभ्यास समाप्त हुआ। इसी तरह से आपको 21 दिन
यह मंत्र का अभ्यास करना है, यानी कृष्ण चालीसा का अभ्यास करना है 21 days, रोज 11 पाठ 21 दिन तक इस पाठ को करना है उस पोटली के सामने। पोटली में होगा 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, जो भी आप रख सकते हैं, 1 तुलसी का पत्ता ये आप रखें, और 1 छोटा सा हल्दी का टुकड़ा उसमें रखें। बस 21 दिन के बाद किसी गरीब को भोजन करा दें और उस पोटली को अपने घर के मंदिर में रखें, आप अपने ऑफिस में रखें, या आप कहीं जा रहे हैं किसी विशेष पर्पस से तो वो आप अपने जेब में रख कर जाएं, तो आपको लगेगा कि बहुत आसानी से आप सामने वाले को प्रभावित कर पा रहे हैं। इतना प्रभाव आप पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, वो थैली आप अपने पास रखें, आप प्रपोज करें, आपको ऐसा लगेगा कि आपका काम आसान हो गया है, लेकिन आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होनी चाहिए। प्रपोज करना बुरा नहीं है, स्वार्थी विचार रखना बुरा है। आपकी भावना अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे संबंध रखना चाहते हैं तो प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन बुरे पर्पज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये गलत होगा, ऐसा ना करें। तो यह अट्रैक्शन बहुत तेजी से बढ़ाता है। आपको किसी क्लाइंट के पास जाना है, वो पोटली को आप अपने जेब में रखें, आप जाएं, आपको लगेगा कि पहले की तुलना में थोड़ा आसान हो गया। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि पहले की तुलना में थोड़ा सा आसान हो गया है। हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने में कृष्ण चालीसा पाठ बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा आप अपने लाभ के अनुसार इस पाठ को आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें जो पोटली होती है यह बहुत ही काम आता है, और इसके लिए कोई ज़्यादा नियम नहीं है। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष इसे कर सकता है। पति पत्नी मिलकर अगर इस अभ्यास को करें तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंदमय रहता है। वाणी कन्या करती हैं तो मनपसंद साथी की प्राप्ति होती है, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं इससे पूर्ण होती हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक प्रयोग माना जाता है। आशा है इस प्रयोग का उपयोग आप अपने जीवन में करेंगे और लाभ उठाएंगे। इसके अलावा वज्रेश्वरी में, जो कि मुंबई के निकट है, महाभैरव साधना का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं या प्रत्यक्ष साधना में भाग लेकर कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर इस साधना में भाग लेकर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में सफल रहेंगे। धन्यवाद।